कभी रात के आसमान में टिमटिमाते सितारों को गौर से देखा है? उन्हें गौर से देखिए, उनमें से कुछ तो वो सितारे भी हो सकते हैं जिनके आसपास ग्रह घूम रहे हैं, और उन ग्रहों पर होना हो कहीं कोई जीवन भी पनप रहा होगा। क्या हम सच में अकेले हैं? शायद यही सवाल हर जिज्ञासु मन में जवाब ढूंढने की बेचैनी ला देता है। इसी बेचैनी भरे मन के जवाब के तौर पर वैज्ञानिकों ने पेश किया पंचपारम्य थ्योरी। ये एक कहानी है एक ऐसी बीस की जो धरती पर नहीं बल्कि दूर अंतरिक्ष में किसी अनजान कोने में पैदा हुआ। ये बीस हवाओं में लहराता हुआ उल्कापिंडों पर सवार होकर ब्रह्मांड की सफर पर निकल पड़ा। लाखों साल बीते, अनगिनत यात्राएं की, और आखिरकार ये बीस एक नीले ग्रह पर पहुंचा। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो हर कहानी में होता है। ये बीस पनपने लगा और उसी से रंगीन दुनिया शुरू हुई। ये कहानी है पैनस्पर्मिया की, ब्रह्मांड में जिंदगी की सफर की। तो चलिए इस कहानी की खूबसूरत सफर में शामिल होते हैं और तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जीवन की शुरुआत कहीं दूर अंतरिक्ष से हुई होगी। सोचिए अगर अंतरिक्ष के सोते सोते कदों में जीवन के बीज छुपे हो और वो धरती पर आ गिरे, ये बीज फिर धरती पर अंकुरित होकर जीवन का रूप ले ले। इस कहानी में अंतरिक्ष के धूल, मेटियोरॉइड, एस्टेरॉइड, कॉमेट जैसे किरदार शामिल है जो जीवन की बीजों को यहाँ वहाँ बिखरते हैं। ये कहानी है उस सोच की जिसमें माना जाता है कि जीवन की शुरुआत धरती पर नहीं हुई थी। जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे सूक्ष्म जीव या उनको बनाने वाले तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये अंतरिक्ष धूल या उल्कापिंडों पर सवार होकर ब्रह्मांड की सफर करते हैं। कभी किसी ग्रह से टकराने वाले उल्कापिंड पर ये जीव छिपके हुए हो सकते हैं, या कहीं दूर के किसी तारे के आसपास बने धूल के बादलों में ये मौजूद हो सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद भी क्या ये जीव जिंदा रह सकते हैं? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सूक्ष्म जीव बहुत सख्त होते हैं, कड़े तापमान, विकिरण और अंतरिक्ष के खालीपन को सहने की ताकत रखते हैं, और जब ये पृथ्वी जैसे ग्रह पर पहुंचते हैं तो सही परिस्थितियां मिलने पर ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं और जीवन की शुरुआत होती है। धरती की शुरुआत में जब चारों तरफ सिर्फ गर्म चट्टाने और उबलते हुए समंदर से घिरे थे, जहां जिंदगी का नामो निशान नहीं था, मगर एक रात आसमान में एक समकदार ढार दिखाई दिया। वैसे ये कोई तारा नहीं था बल्कि एक विशाल उल्कापिंड था जो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और आसमान में रोशनी भर गई। उल्कापिंड हजारों टुकड़ों में बंटकर धरती पर बरसने लगा। ये टुकड़े सिर्फ पत्थर नहीं थे, इनमें से कुछ में कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव छुपे हुए थे। लाखों साल बीत गए, धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, समंदरों का तापमान कम हुआ और पृथ्वी सही वातावरण में ढलना शुरू हुआ। फिर वो पल आया जब वो बेहोश पड़े सूक्ष्म जीव अचानक जाग उठे। फिर ये धीरे धीरे बदलते गए, नए नस्लें पैदा हुए और लाखों सालों के विकास के बाद वो जटिल जीव बन गए जिन्हें हम आज देखते हैं। ये कहानी है पंचपांडव। ये कोई परियों की कहानी नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का एक रोमांचक विचार है। ये सच है कि अंतरिक्ष कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, वहाँ कड़ाके की ठंड, तेज विकिरण और निर्वात का वातावरण है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या कोई सोता जीव इतनी लंबी यात्रा करके जिंदा रह सकता है? जवाब है शायद। पृथ्वी पर कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये जीव ऐसे वातावरण में रह सकते हैं जो आम जीवन के लिए घातक होते हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान सह लेते हैं। ये जमे हुए वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं। ज्वालामुखी के आसपास का गर्म वातावरण हो या फिर अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ, ये हर जगह अपना घर बना लेते हैं। ब्रह्मांड का तो ये हाल है कि हर तरफ गैसों के विशाल बादल फैले हुए हैं, और इन बादलों में ज्यादातर हाइड्रोजन जैसी गैसें होती है। पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इन बादलों में जिंदगी के लिए जरूरी कुछ खास तरह के माइक्रोब्स भी मौजूद होते हैं। अब ये विशाल गैसों के बादल अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और कभी कभी किसी तारे के पास से गुजर जाते हैं। जब ये गैसों के बादल तारों के पास से गुजरते हैं तो उनकी गैसों पर तारों की गर्मी और रोशनी का असर होता है, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन, मानो कोई जादू हो रहा हो। तब ये साधारण गैसें आपस में मिलकर जटिल अणु बना लेते हैं, और यही वो जगह है जहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। इन जटिल अणुओं में कुछ खास चीजें शामिल है, जैसे कार्बनिक अणु। ये वही चीजें हैं जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी मानी जाती है। अमीनो एसिड को आप जिंदगी की ईंटें भी समझ सकते हैं। ये वही छोटे छोटे अणु हैं जो मिलकर धरती पर जीवों की प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन ही हर जीव के शरीर को बनाने और चलाने में मदद करता है।
क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड की दूर कोने में इन गैसों के बादलों में कहीं न कहीं जीवन पनपने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? अंतरिक्ष, जहां वायुमंडल की मौजूदगी ना के बराबर है, सभी पानी जम चुका है, सब कुछ फैल गया है और घातक विकिरण ने सबको घेर रखा है। हम जानते हैं कि ऐसी हालातों में अंतरिक्ष की गहराइयों में जीवन टिक नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने पृथ्वी पर ही सबसे कठिन हालातों में सूक्ष्म जीवों को जीते हुए देखा है। बर्फ के नीचे, सूरज की रोशनी से दूर गहरी जमीन के नीचे, ऊपरी वायुमंडल में उड़ते हुए, ऊंचे तापमान वाले जलधारों में और बहुत कुछ। जीवन में पृथ्वी पर हर संभावित जगहों में अपनी जगह बना ली है। क्या हो अगर वो चट्टाने जिन्हें हम मंगल से लाए हैं, ये बताती है कि जीवन पृथ्वी पर आया ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कहीं और से आया है। सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है, पर चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। धरती और मंगल ग्रह दोनों करीब 4.5 अरब साल पहले बने थे। माना जाता है कि शुरुआत में ये दोनों ग्रह काफी मिलती जुलती थे। दोनों की सतह पर ज्वालामुखी फूटे थे और दोनों ग्रहों पर हवाओं में काफी नमी रही होगी। ऐसे माहौल में वैज्ञानिकों को लगता है कि दोनों ग्रहों पर जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी चीजें मौजूद रही होगी। हो सकता है मंगल पर भी सरल जीव पाए जाते होंगे, वैसे ही जैसे धरती पर पाए गए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद मंगल का वातावरण कमजोर होने लगा। सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें वातावरण को लगातार कमजोर कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि मंगल पर मौजूद पानी सूख गया और वो ग्रह रहने के लिए लायक नहीं रह गया। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि इसी दौरान किसी सोते उल्कापिंड या धूमकेतु के टकराने से मंगल की सतह से सत्ताने अंतरिक्ष में दूर फेंक दी गई होगी। ये सत्ताने अंतरिक्ष में घूमती रही और हो सकता है कि इनमें से कुछ सत्ताने किसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती की तरफ आ गई हो और धरती से टकराई हो। अगर वाकई में ऐसा हुआ होगा तो हो सकता है ये मंगल की वो चट्टाने अपने साथ मंगल के सरल जीवन के स्पोर्स भी धरती पर ले आई हो और फिर यही स्पोर्स धरती पर पनप कर नए जीवन की शुरुआत का कारण बने होंगे। बेशक ये सिर्फ एक थ्योरी ही है, पर वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मंगल से लाई गई सत्तानों का बारीकी से स्टडी किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि कहीं उनमें जीवन के सूक्ष्म सबूत तो नहीं मिलते। ये खोजें हमें ये बताने में मदद करेंगी कि ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत कहां से हुई और क्या वाकई जीवन का फैलाव अंतरिक्ष के जरिए हो सकता है। ब्रह्मांड की विशाल फैलाव में जीवन की शुरुआत कहां से हुई, ये एक रहस्य है। सोते जीव या फिर जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी चीजें अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंच सकती है। अब ये सुनने में जरा अजीब लगता है कि कोई सूक्ष्म जीव इतनी दूर का सफर कैसे तय कर सकता है, और वो भी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए। पहली बात, पंचपाण्डवीय सिद्धांत ये नहीं कहता कि कोई भी जीव यूं ही सीधे अंतरिक्ष में निकल पड़ता है। इसके लिए जरूरी है एक तरह के सुरक्षा कवच की। ये सुरक्षा कवच हो सकता है उल्कापिंड या धूमकेतु का टुकड़ा। जब किसी ग्रह पर उल्कापिंड गिरता है तो वो इतनी ताकत से टकराता है कि ग्रह के सत्तानों के टुकड़े भी उसके साथ साथ अंतरिक्ष में दूर फेंक दिए जाते हैं। ये सत्ताने अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। अब अगर इन सत्तानों के अंदर कोई सूक्ष्म जीव या फिर जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी चीजें जैसे बैक्टीरिया के स्पोर्स या कार्बनिक अणु मौजूद रहे हो, तो ये अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान भी सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि ये चट्टाने एक तरह का सुरक्षा कवच मुहैया कराते हैं। ये कवच सूरज की हानिकारक किरणों और अंतरिक्ष के खतरनाक विकिरणों से सुरक्षा देता है, साथ ही अंतरिक्ष के ठंडे तापमान से भी कुछ हद तक बचाव करते हैं। अब ये सफर हजारों या लाखों सालों तक चल सकती है। इस दौरान सत्तानों के अंदर बसे सूक्ष्म जीव या ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जब ये सत्ताने किसी और ग्रह के माहौल में दाखिल होते हैं तो वहाँ के मौसम की गर्मी और नमी से ये सत्ताने टूट फूट सकते हैं। अगर उस नए ग्रह पर लिक्विड वाटर मौजूद हो और माहौल भी ठीक ठाक रहे तो फिर इन सत्तानों के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव एक्टिव हो सकते हैं और नए ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो सकती है। बेशक पैनस्पर्मिया सिद्धांत को अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है, फिर भी ये हमें ब्रह्मांड के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कराता है कि क्या वाकई जीवन अंतरिक्ष के यात्री बनकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर कोई खास चर्चा नहीं है, क्योंकि किसी बाहरी सभ्यता ने जानबूझकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी। इसका मूल कारण ये है कि हमारे पास अभी तक ये साबित करने के लिए ये सबूत नहीं है कि ब्रह्मांड में कहीं और एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है।
जीवन के मूल रूप जैसे कि सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष यात्रा करके ग्रहों पर पहुंच सकते हैं एस्टेरॉइड्स या मेटियोरॉइड्स के टुकड़ों के जरिए। इस सिद्धांत में ये शामिल नहीं है कि जीवन को जानबूझकर भेजा गया था, बल्कि ये संयोग से हुआ हो सकता है। फिलहाल वैज्ञानिकों का ज्यादातर ध्यान इस बात पर है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। जैसे जैसे हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण की क्षमता बढ़ेगी, हम दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेतों की तलाश कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह के सबूत मिलते हैं तो ये इस सवाल पर बहस पैदा कर सकता है कि क्या ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या कहीं ना कहीं से जानबूझकर फैलाई गई है। पंस्पार्मिया एक साइंटिफिक इमेजिनेशन है जो ये कहता है कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सूक्ष्म जीव अपने डीएनए के साथ धूमकेतुओं जैसे चीजों के जरिए अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और अनंत पृथ्वी जैसे ग्रहों पर पहुंच सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, फिर भी पृथ्वी पर बहुत ही अनोखी और अद्भुत जीव पाए जाते हैं जिनके शारीरिक रचना या रहने का तरीका हमारे लिए अजीब हो सकता है। गहरे समंदरों में रहने वाले जीव जिनका सामना हम कभी नहीं करते, या फिर गुफाओं में रहने वाले कीड़े मकोड़े, ये सभी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के विविध स्वरूपों को दर्शाते हैं। लेकिन सबसे अलग दिखना सिर्फ इस बात का सबूत नहीं है कि ये असल में अंतरिक्ष से आए हैं। पृथ्वी पर जीवन वातावरण के अनुकूल खुद को ढालने में बहुत माहिर है, यही वजह है कि हम इतने विचित्र और अद्भुत जीव देख पाते हैं। इसलिए फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि क्या पृथ्वी पर कोई जीव किसी दूसरे ग्रह से आया है। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है और जीवन का रहस्य उतना ही गहरा। पंचपार्मीय सिद्धांत हमें उस रहस्य को सुनने का एक रास्ता दिखाता है। शायद हम अकेले नहीं हैं। शायद सोते सोते अंतरिक्ष यात्री सोते सोते अणुओं के रूप में ब्रह्मांड की सफर कर रहे हैं, इस इंतजार में कि कोई ग्रह उन्हें अपना घर बना ले। हालांकि अभी तक इस सिद्धांत के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बस ये हमारी कल्पना को जगाता है जहां जीवन की धारा एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बहती रहती है। चाहे पैनस्पर्मिया सच हो या झूठ, शायद एक दिन हम आकाश की गहराई में झांकते हुए अपने ही किसी रिश्तेदार को ढूंढ ले जो किसी दूर के ग्रह से आया हो